हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए एसओएफ आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2024-25 क्लास सेकंड के क्वेश्चंस पेपर एंड उसके सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो चलिए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ स्वान टी एंड एफ आर रिमूव फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट देन स्वान थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। कहा जा रहा है क्वेश्चन में अगर टी और एफ को रिमूव कर दिया जाए तो लेफ्ट साइड से थर्ड लेटर कौन सा होगा। तो ये लेफ्ट साइड यहाँ पर दिया गया है तो थर्ड लेटर कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर। आर हमारा थर्ड लेटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलो ऑफ इन द ऑल थ्री फिगर्स। अगर तीनों फिगर्स में सेम रूल फॉलो किया जा रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 25 माइनस 14 इज इक्वल टू 11, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, सो 21 माइनस 7, 21 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 14, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। थर्ड, द सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन इज Which the given figure is exactly embedded as a of its parts. ये embedded कहाँ पर दिख रहा है, कौन से options में दिख रहा है। तो देखिए ये options जो है आपका इस figure में दिख रहा है, so correct answer हो जाएगा यहाँ पर option C। चलिए next question की तरफ हम बढ़ते हैं, question number D। How many shapes are there on the given board or drawing using curved line only? Curved line यहाँ पे कितने हैं? तो देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 6 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ये हमारे कर्व लाइन है। कर्व लाइन जब इस तरह का होता है ये आपका कर्व लाइन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ द डे आफ्टर टुमारो विल बी संडे देन द डे बिफोर यस्टरडे वाज। कहा जा रहा है यदि आने वाला कल संडे है, यानी टुमारो जो है संडे है, ठीक है, तो आज टुडे क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो पूछा जा रहा है यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल क्या होगा, तो यस्टरडे इधर हो जाएगा, तो यस्टरडे हमारा क्या हो जाएगा, सैटरडे से पहले फ्राइडे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ बोर्ड इज कॉल्ड एम्बुलेंस, एम्बुलेंस इज कॉल्ड hot balloon and hot balloon is the called the aeroplane, then what is the road transport। तो यहाँ पर road transport कौन सा यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर ambulance जो है हमारा road transport है और ambulance को हम hot water कह रहे हैं, तो correct answer हो जाएगा option A। Hi guys, I am Neetu Nigam and आप हमारे channel पर देख रहे हैं class second के math olympiad के क्वेश्चंस 2024-25 के। अगर अदर सब्जेक्ट अदर क्लासेस क्लास फर्स्ट एंड थर्ड के भी मैंने वीडियो डाले हैं अभी 2024-25 के एग्जाम के, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं, थैंक यू। चलिए देखते हैं देन ये क्वेश्चंस, थोड़ा सा हम इसको डार्क कर लेते हैं इमेज के अकॉर्डिंग। अब इसको हम समझते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है इफ इज रिलेटेड टू 5 इन सम वे देन इन द सम वे इज द रिलेटेड टू व्हाट। अगर यहाँ पर 5 इसमें से अनशेडेड पार्ट को कहा जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 अनशेडेड पार्ट 5 है, इसी प्रकार इसमें हमारा अनशेडेड पार्ट कितना होगा, तो अनशेडेड पार्ट कितना हो गया, 1, 2, 3।
तो यहाँ पर थ्री जो है अनसेडेड पार्ट है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट. अरेंज द गिवन आइटम ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ. इनके लेंथ के अकॉर्डिंग हमें जो है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. चलिए यहाँ पर ये मेजरमेंट के लिए दिया जा रहा है, तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं. आर का यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है, तो कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4. आर इजकल टू 4 हो गया. नेक्स्ट ये बैट की लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो रही है, तो कितना हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5. तो क्यू इजकल टू 5. एंड ये हमारा हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो रहा है 1, 2, 3. तो P इजकल टू 3. अब यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा होता है ज़्यादा से कम. ऊपर की तरफ हमें लेना है तो 5, 4, 3. तो 5 के लिए Q हो गया, 4 के लिए R हो गया और 3 के लिए P हो गया. तो हमारा अरेंजमेंट क्या हो गया, Q R P करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. सेलेक्ट द ऑड वन आउट. ऑड वन आउट को हमको सेलेक्ट करना है. यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखिए सभी एरो जो अंदर की तरफ ये बंद है ए बी एंड सी में, जबकि डी में एरो अंदर से बाहर जा रहा है, जबकि सब में बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है. तो ये ऑड वन आउट है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नंबर 10. द ग्रुप ऑफ फोर पिजन का एक ग्रुप बनाना है फ्रॉम द पिजन 1, 2, 3, 4. कितने ग्रुप बन गए, 5 ग्रुप. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11. अब हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है. जैसा कि आपको पता है ओलंपियाड मैथ में 4 सेक्शन बटे रहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन. सभी से टोटल 35 क्वेश्चंस रहते हैं. 3 सेक्शन से आपका 10 क्वेश्चंस रहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एवरीडे मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहता है, जबकि अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहते हैं. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. हाउ मेनी कर्व लाइन देयर इन गिवन फिगर. इसमें हमें कर्व लाइन बताना है कितने हैं. चलिए कर्व लाइन अभी मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में भी बताया था, तो कितने थे, इस तरह के कर्व लाइन होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो यहाँ पर आपका आ रहा है 12, ये 13, 14. तो इसको आप कर्व लाइन अपने अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर, इसको मैं हटा देती हूँ, तो इस तरह के कर्व लाइन होते हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन बी, 14 कर्व लाइन हो रहे हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ऑड आउट. ऑड आउट इसमें कौन सा है, इनको प्लस करके आपको देख लेना है, इवन नंबर हो रहे हैं या ऑड नंबर हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14, जो कि एक ही क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं. द गिवन पिक्टोग्राफ सम सो द नंबर्स ऑफ प्लांट ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लास 2. स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 13 और 14 दोनों के लिए ये ग्राफ दिया गया है, इसी से रिलेटेड दोनों क्वेश्चंस के जवाब देने हैं. चलिए हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है
स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन डैश प्लांटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट। तो कौन से नंबर में ये सेक्शन है, पी क्यू आर एस, कौन से सेक्शन में सबसे ज्यादा प्लांट्स, मैक्सिमम प्लांट्स प्लांटेड किए गए। तो आप ग्राफ देखकर ही हमें पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे 5, 3 and 3, 6 है, यहाँ पे 5, 4 and 3, तो सबसे ज्यादा इस ग्रुप में है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है आर। हाउ मेनी टोटल प्लांट्स आर प्लांटेड टू स्टूडेंट सेक्शन पी क्यू एस ऑल टूगेदर, पी क्यू एस इन तीनों में हमें टोटल करना है। तो 5, 4, 9, 3, 13 आर को यहाँ पे नहीं लेना है, तो ये हो गया 5, 4, 9 and 3, 12 और स्टैंड टू प्लांट्स, एक प्लांट्स एक ट्री में दो प्लांट्स हैं, तो 12 into 2 यानी 24, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ लाइटेस्ट, सबसे लाइट वेट किसका है। तो यहाँ पर वेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, 15 kg, 2 kg, 10 kg एंड 3 kg, सबसे कम वेट है रेडियो का 2 kg, तो सबसे लाइटेस्ट वेट के आइटम्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्ट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन पिक्चर्स, इस पिक्चर्स में सब्सट्रैक्ट का जो ऑप्शन दिया गया है कौन सा सही किया गया है, ये पूछा जा रहा है इसमें, इसको थोड़ा मैं डार्क कर दे रही हूँ कि ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन सा क्रॉस किया हुआ है कौन सा क्रॉस नहीं किया हुआ, लाइटिंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। चलो अब यहाँ पे पहले टोटल नंबर्स हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे, टोटल नंबर्स कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो टोटल नंबर यहाँ पे 15 है। अब इसको सब्सट्रैक्ट जो किया गया है कितने को किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 15 - 6 इसका टू कितना हो जाएगा, 9। तो ये जो सीक्वेंस है ये इक्वेशन आपको किस में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, 15 - 6 = 9, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गिवन द क्लॉक शो, अब यहाँ पे क्लॉक में आप देखिए कितना टाइम हो रहा है, तो यहाँ 6:50 हो रहे हैं, 7:10 बचे हुए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 10:07, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी, व्हाई द प्लेइंग विथ एबेकस माहुल लॉस्ट 1 beat फ्रॉम द 10th bar एंड नाउ हिज एबेकस लुक लाइक सो हेयर, तो व्हाट इज द हिज एक्चुअल नंबर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है एबेकस का ये फॉर्मेट दिया गया है, 10th पोजीशन पे कहा जा रहा है मेहुल ने 1 bits खो दी थी, तो पूछा जा रहा है कि एक्चुअल अभी जो क्या हो रहा है, 1, 3, 3, ठीक है, 1, 3, 3 हो रहा है, लेकिन अगर पहले एक्चुअल पोजीशन क्या था, 1 bits इसने खो दिया, तो पहले का पोजीशन क्या था, 1, 4, 3, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 1, 4, 3, आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज द कॉस्टेस्ट, सबसे महंगा ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस हम देख पा रहे हैं ऑप्शन बी जार जो है वॉश 319 का है, जो सबसे ज्यादा कॉस्टली है, सबसे ज्यादा महंगा है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सो द रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर गिवन द गिवन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर कितना बता रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका 70 degree बताया जा रहा है, तो 70 degree को किस फॉर्मेट में हम लिखेंगे, तो ऑप्शन ए में 40 + 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 degree। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, एवरीडे मैथमेटिक्स अब शुरू हो जाता है। 21 क्वेश्चन, इफ मोहित पोर द वाटर ऑफ बोथ द बॉटल्स इनटू जग देन हाउ
many liters of water was poured into the jug. अगर मोहित ये दोनों बॉटल्स के वाटर को जो है इस जग में डाल देता है तो कितने लीटर्स पानी डालता है? तो यहाँ पर देखिए दो बॉटल्स 2 + 2 कितना हो रहा है 4, अर्थात वो 4 लीटर्स पानी जग में डालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। रुचि प्लांट सम प्लांट्स इन गार्डन द नंबर्स ऑफ प्लांट प्लांटेड बाय हर इन मोर देन 340 एंड 6 एट द सेम प्लेस। यहाँ पे कहा जा रहा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नंबर टू प्लांट प्लांटेड टू हर, कैन नॉट, यहाँ पे ध्यान देखना है कौन सा नंबर इसमें से नहीं आएगा। कहा जा रहा है ये 340, मोर देन 340 यानी 340 से ज्यादा हो और 6 जो है हमारा 10 प्लेस पे हो, तो 6 जो है हमारा 10 प्लेस पे हो, तो 6 हमारा 10 प्लेस पर है और इससे ज्यादा 340 से ज्यादा हो, तो 340 से ज्यादा हो ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी जो है 340 से ज्यादा नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 23 इन द कॉस्ट ऑफ टेडी बेयर सो हेयर इफ द रौनक पाउच 3 सच टेडी बेयर देन हाउ मच टोटल अमाउंट डिड ही पे टू ऑल। यहाँ पर टेडी का प्राइस है 120 तो और उसने 3 टेडी खरीदा है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 120 120 120 3 बार हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 360 रुपीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24। एन एनजीओ रेस्क्यू 152 स्ट्रे एनिमल इन 1 वीक एंड रेस्क्यू 73 लेस स्ट्रे एनिमल देन 2 वीक, तो हाउ मेनी स्ट्रे एनिमल रेस्क्यू एनजीओ इन द वीक 2। सेकेंड वीक में उसने कितने किए थे तो यहाँ पे हो जाएगा 152 माइनस 73, तो इधर से हम 1 कैरी ऑन लेंगे, 12 में से 3 गया 9 और 4 7 में से 7 यस 14 में से 7 गया 7 79, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। द गिवन क्लॉक सो इन द टाइम एट विच सोहम स्टार्टेड हिज डांस एन और प्रैक्टिस इवनिंग, इफ ही फिनिश डांस प्रैक्टिस 7:15 PM तो देन ड्यूरेशन ऑफ डांस प्रैक्टिस। अगर सोहम ने 7:15 पर डांस कंप्लीट किया और स्टार्ट किया इन्होंने 6:45 पर, तो वो कितने मिनट के लिए जो है डांस किया, तो इसमें से हमको इसमें माइनस करना है, तो ये 15 में से 45 माइनस करेंगे तो 30 मिनट्स आएगा, तो 30 मिनट्स उसने जो है डांस किया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26। इन द जंगल रेस 12 रैबिट 5 रैट्स एंड 7 मंकी पार्टिसिपेट्स, हाउ मेनी टोटल एनिमल पार्टिसिपेटेड इन द रेस। यानी ये सभी एनिमल्स जंगल में रेस में पार्टिसिपेट्स करते हैं तो आपको बताना है टोटल कितने एनिमल्स हैं, तो इन सभी को हमें टोटल करना है, तो टोटल करेंगे तो क्या होगा 12 और 5 17 17 और 7 24, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24, इन सभी को आपको प्लस करना है। चलिए नेक्स्ट 27। द टोटल वेट ऑफ साइकिल एंड टॉय कार इज 42 kg, इफ द वेट ऑफ बाईसाइकिल 12 kg तो वेट ऑफ टॉय कार, टोटल वेट बाईसाइकिल और कार का 12 kg है तो और बाईसाइकिल का 12 kg है तो 42 kg में से हमें 12 kg को माइनस करेंगे तो हमारा टॉय कार का वेट निकल जाएगा, माइनस करेंगे 220, 4 में से 1 गया 3, 30 kg, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। कृति मेड 350 डेकोरेटिव आइटम इन समर वेकेशन, विच ऑफ द सो फॉलोइंग द नंबर ऑफ आइटम मेड बाय हर। अगर कृति ने 350 डेकोरेटिव आइटम बनाए तो इसको नंबर्स में हम कैसे लिखेंगे, तो 350 हम नंबर्स में इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 29। इसमें कहा जा रहा है वरुण सॉ द गिवन पेंटिंग इन ए शॉप, हाउ मेनी पेंटिंग वरुण सी द पेंटिंग, ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल्स इस पिक्चर्स में हैं, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6
सिक्स ट्रायंगल है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13। मोनिका सॉ टू ट्री इन गार्डन, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड गिवन टू ट्री। मोनिका ने दो ट्री देखा गार्डन में, दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है। तो देखिए ये ट्री जो है 7 का हो रहा है एंड ये ट्री 5 मीटर लेंथ है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा 2 मीटर आ जाएगा आंसर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 जो अचीवर सेक्शन से आ जाता है। अचीवर सेक्शन बच्चों के लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, प्रैक्टिस की चीजें, क्वेश्चन तो ईजी रहता है लेंदी रहता है, लेंदी के कारण बच्चे छोड़ देते हैं या फिर गलत कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बच्चों को आप प्रैक्टिस करवाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द गिवन पिक्टोग्राफ शो द नंबर्स ऑफ चेयर्स अबाउट द कंपनी इज द गिवन 5 years, स्टडी गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पी एंड क्यू, देयर आर मोर अबाउट 215 देन 218। 215 में 218 से कितना ज्यादा चेयर खरीदा गया। तो यहाँ पे क्या है, 4 चेयर है, तो यहाँ पे एक चेयर इंटू 10 कहा जा रहा है, तो 4 × 10 यानी कि ये हो गया 40। और यहाँ कितना खरीदा गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 × 10 यानी कि 70। यानी इसको हमको 70 से 40 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे 30 हो जाएगा। सेकंड हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ चेयर अबाउट ऑफ ऑल गिवन 5 years, यानी सभी में टोटल चेयर्स कितने हैं। तो हम इस प्रकार कर सकते हैं, ये है 7 + 5 = 12, 12 + 3 = 15, 16, 17, 18, 19, 20, और 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये वाला ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही है, पी इक्वल टू 30 एंड क्यू इक्वल टू 200, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। कंपेयर द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। 400, 3 ones, पहले में हम देख लेते हैं 400, 3 tens and 2 ones प्लस 5 tens, अच्छा 5 tens है यहाँ पे और 7 ones है, ये यहाँ पे 0 है, कुछ भी नहीं है। तो ये हो जाता है 7 × 2 = 9, 8 and 4, 489। अब यहाँ पे है 300, 5 ones and 2 tens and 2, तो ये हो गया 7, 2, 3। तो इस तरह यहाँ पे साइन क्या लगेगा, तो दिस इज, ये साइन लग जाएगा ग्रेटर देन पहले में जो है, एंड अब सेकेंड हम देख लेते हैं। चलिए इसको हम सेकेंड देख लेते हैं, 705 ones माइनस 500 2 tens हो गया, तो इसको हम माइनस करते हैं तो क्या हो रहा है, 5 10 में से 2 गया 8 और 1, 185, और इधर हो जा रहा है 208 tens, 305 ones, इसको हमें प्लस करना है तो 585, तो ये हमारा बड़ा हो रहा है, तो दिस इज इस तरह का आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर टू एंड क्यू स्क्वायर टू, ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। ये भी क्वेश्चन थोड़ा बच्चों के हिसाब से लेंदी है, चलिए देखते हैं। जैकेट सूज प्लस स्लीवलेस जैकेट इक्वल टू 740 है, फिर दो जैकेट प्लस जैकेट इक्वल टू 620 एंड सूज प्लस 5 देन द कॉस्ट ऑफ सूज। सूज का हमें कॉस्ट निकालना है, तो देखिए यहाँ पर ये तीनों का कॉस्ट जो है 470 है और इन तीनों का कॉस्ट, तो यहाँ पर ये और ये इक्वल हो रहे हैं, तो इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा
जैकेट की प्राइस निकल जाएगी, ठीक है। 740 माइनस 620 क्या हो गया, 0 2 1 120 120 हमारा जो है जैकेट का प्राइस हो गया, 120। अब 620 में से अगर हम 120 को माइनस करेंगे तो ये हमारा बच गया 500, तो इन दोनों का कॉस्ट हो गया 500। अब एक जैकेट का दाम 500 हो गया, तो एक जैकेट का दाम कितना हो गया, 250। तो 250 प्लस 120, 250 प्लस 120 को अगर हम प्लस करेंगे और 0 5 2 7 3 370 में से हम 470 को माइनस करेंगे, 740, तो हमारा शूज की प्राइस निकल जाएगी 370। 0 14 में से 7 गया 7, 6 में से 3 गया 3 6 70। तो देन 370 एंड 670 दोनों को हम अगर प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 540। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इस प्रकार आप इसको करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका है, अब 34 की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सो द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑन बोथ ऑफ द टेम्परेचर, दोनों के टेम्परेचर्स के बीच में हमको डिफरेंसेस निकालना है। देखिए ये हमारा हो रहा है 70 और ये हो रहा है 40 डिग्री, तो दोनों के माइनस में हम टेम्परेचर करते हैं तो ये हमारा होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी 34। एक मिनट, ये 60 इसको थोड़ा सा हम क्लिक करके थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं। ये 60 माइनस 50 यानी 20 हो रहा है, यहाँ पे 60 माइनस 50 हो रहा है तो यानी कि 10 kg, यहाँ पे 10 सेंटीग्रेड हो रहा है, ये 60 हो रहा है और ये 50 हो रहा है। तो इस प्रकार हम अगर इसको करते हैं तो ये 10 kg जो है यहाँ पर ये 10 सही दिख रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं। Identify the 3-digit number using the given clue. The digit at 10 place the greatest 1-digit odd number. यहाँ पे 10 place पे greatest odd number है, तो greatest odd number यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसमें से हम देख सकते हैं यहाँ इसी options के द्वारा हमारा answer सी आ जाता है, 10 place पे 9 सिर्फ इसी में है। Next the place value of digit at 100 place 7, 100 place पे यहाँ पे 7 दो जगह पे है, लेकिन इसी से हमारा clue निकल जाता है, तो correct answer is option C. आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चूंकि ओलंपियाड एग्जाम में टाइम की कमी रहती है, लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं, तो अगर आपका फर्स्ट या सेकेंड ऑप्शन में ही अगर आंसर मिल जाता है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर आंसर क्लिक करके नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। तो आज के लिए इतना ही, इस बात को आप ध्यान रखें और प्लीज़ अवश्य बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, आप हमारे मेल पर कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।